अक्सर व्हाट्सएप का इस्तेमाल चैट के पर्पज से किया जाता है, लेकिन अब व्हाट्सएप पर चैट से नहीं बल्कि पेमेंट्स भी की जा सकती है। व्हाट्सएप पेमेंट यूपीआई की मदद से बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। अब व्हाट्सएप के नए पेमेंट सुविधा के साथ प्रत्येक लेन देन के बाद आसानी से अपने अकाउंट के बैलेंस की जाँच भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपके खाते से जुड़े फोन नंबर के यूज से ये सुविधा देता है। पहले जानते हैं कि व्हाट्सएप पेमेंट क्या है। तो व्हाट्सएप पेमेंट सुविधा ग्राहकों को अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के किसी भी यूजर को पेमेंट करने की सुविधा देता है। व्हाट्सएप यूजर्स नए फीचर की मदद से मनी सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। कंज्यूमर्स को ये सर्विस अवेलेबल कराने के लिए सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप ने देश के कुछ सबसे बड़े बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है। ये पेमेंट प्लेटफॉर्म यूपीआई पर बेस्ड है और गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और अन्य ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म की तरह ही काम करता है। अब जानते हैं व्हाट्सएप पे के लिए रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को ओपन करें, स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर से डॉट्स मेन्यू को सिलेक्ट करें, पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से ऐड पेमेंट मेथड को आप सिलेक्ट करें। अब बैंक को चुनें जिसके साथ आपका अकाउंट है। व्हाट्सएप फिर आपके फोन नंबर को वेरीफाई करेगा, ये आपके चुने हुए बैंक खाते को भी दिखाएगा। अपना बैंक अकाउंट चुने और इसके बाद डन के बटन पर क्लिक करें। प्रोसेस पूरी होने के बाद आप अपनी यूपीआई आईडी, पेमेंट हिस्ट्री और लिंक किए गए बैंक अकाउंट को देख पाएंगे। अब जानते हैं कि कैसे सेटिंग ऑप्शन का यूज करके आप अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं। तो इसके लिए व्हाट्सएप पर जाएं। यदि आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो मोर विकल्प पर टैप करें, पेमेंट का चयन करें, बैंक अकाउंट पर क्लिक करें, इसके बाद सी बैलेंस विकल्प को चुनें, अपना यूपीआई पिन यहां दर्ज करें। अब आपका अकाउंट बैलेंस स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, लेकिन आप इन बातों का भी जरूर ध्यान रखें, जैसे प्राइमरी बैंक सेटअप के दौरान यूजर्स को केवल पेमेंट टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की ही जरूरत होती है। यदि व्हाट्सएप लिस्ट में आपके बैंक का पता नहीं लग पाता है तो हो सकता है आपका बैंक जुड़ा ना हो। हालांकि पेमेंट फैसिलिटी के लिए फोन नंबर को व्हाट्सएप अकाउंट से जुड़ा होना जरूरी होता है। अगर अब भी आप इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप के आप न्यू वर्जन को डाउनलोड करके भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी रिपोर्ट जरूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।